हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच नहीं हो सका गठबंधन। खड़गे ने कहा जो देख रहे थे वही करेंगे बात। 3 सीट आम आदमी पार्टी को देना चाहती थी कांग्रेस। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की लिस्ट। 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। सभी 90 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। विनेश के राजनीतिक पारी की शुरुआत पर बोले ताऊ महावीर फोगाट। कहा विनेश फोगाट की राजनीति में आने से मैं नाखुश। उसे एक ओलंपिक और खेलना चाहिए। अमेरिका के डैलस में रोजगार के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी। अमेरिका यूरोप भारत समेत कई देशों में रोजगार एक बड़ी समस्या। चीन में बेरोजगारी की दिक्कत। राहुल गांधी के चीन की तारीफ वाले बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले विपक्ष के नेता होने के बावजूद राहुल कर रहे हैं चीन की ब्रांडिंग। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर की रेप और हत्या के केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई को 1 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट दायर। विदेश से बैठकर हैंडलर दे रहे थे। हमले के निर्देश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मलेश्वरम के बीजेपी दफ्तर में विस्फोट की थी तैयारी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश। जांच के लिए एनआईए की 5 सदस्यीय टीम रवाना। यूपी में 69,000 टीचर भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। आरक्षण की वजह से हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई सूची जारी करने को कहा। दिल्ली में मंकी पॉक्स के एक केस की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की खबर। आइसोलेशन में रखा गया मरीज। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के बनाने और बिक्री पर लगाई रोक। सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पिछले साल की तरह फैसला। रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 26,000 करोड़ का किया करा। सुखोई-30 विमान के इंजन के लिए एचएएल के साथ समझौता। वायुसेना प्रमुख की मौजूदगी में हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना से मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर। पटना में बीजेपी नेता की हत्या। चुनौती के दौरान सिर में मारी गोली। सामने आई घटना की सीसीटीवी तस्वीर। इनामी बदमाश मंगेश यादव के सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर यूपी की सियासत गर्म। जौनपुर में मंगेश के घर पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने के साथ। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे। मणिपुर के इम्फाल में गवर्नर हाउस के पास भारी विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने गवर्नर हाउस तक मार्च किया। बिहार के बेगूसराय में हथियार के साथ डांस करने का मामला आया सामने। घटना की तस्वीरें वायरल। गुजरात के अमरेली में गेहूं की बोरी के नीचे दबने से एक मजदूर की हो गई मौत। सीसीटीवी में कैद घटना। सूरत में बीती रात गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी को लेकर 33 लोगों पर शिकंजा। 300 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत। सीसीटीवी खंगाल में जुटी पुलिस। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। डीडीए फ्लैट्स के बीच सरकारी मिलीभगत से अवैध निर्माण करवाने का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया। टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल युवा प्रोफेशनल्स के लिए बनी चिंता। सर्वे के मुताबिक 83% ने इससे जॉब पर खतरा बना।